A new baby. A new baby. देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं. कहा गया तुमने यार? तुम्हें पता मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं? मेरा बिबू मेरे लिए क्या लाया है? सोने के कंगन, हीरो का हार या डायमंड की रिंग? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट टॉफी लाया हूं. तुम यार कॉलेज के वक्त में तुम ये खट्टी मीठी टॉफी कितने शौक से खाया करती थी, और मैं तुम्हारे लिए लेके आता था. उस टाइम रुपए की 100 मिलती थी. प्लीज बिबू, वो कॉलेज की बात थी, अब हम मैच्योर हो गए. मेरी एक्सपेक्टेशंस तुमसे ज्यादा हैं. यार तुम मुझे से बेरोजगार नल्ले से कुछ एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि तुम एक्सपेक्ट करोगी तुम्हारा दिल टूटेगा. दिल टूटेगा तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हें गुस्सा आएगा तुम झगड़ा करोगी. मैं झगड़ा करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं. तुम ये टॉफी खानी है तो खाओ, वरना मैं खा रहा हूँ. एक शर्त पे खाऊंगी. कौन सी शर्त? कि तुम टॉफी खाते खाते रोमांस करोगे. तुम्हारे दिमाग के सॉफ्टवेयर में दो ही मोड है, एक गुस्से का मोड है, दूसरा रोमांस का मोड है. चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम टॉफियां, पहले जैसे अब मेरे शौक है कहां. गुड़िया खिलौने मेरी सहेलियां, अब मुझे लगती है सारी पहेलियां. ये कौन सा मोड़ है उम्र का? चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम टॉफियां, पहले जैसे अब मेरे शौक है कहां. गुड़िया खिलौने मेरी सहेलियां, अब मुझे लगती है सारी पहेलियां. ये कौन सा मोड़ है उम्र का? I like it. I like it. सक्सेना जी, आप हमारे बेडरूम में क्या कर रहे हैं? सक्सेना के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेडरूम में घुसने की? हाँ बे? I like it. By the way, भैया ये टॉफी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है. Very bad. This is very bad. आपको इस तरह से हमारे बेडरूम में नहीं आना चाहिए. सॉरी भाई, वो क्या है ना कि क्या आप नहीं चाहेंगे कि मैं भी अपनी बीवी के साथ ऐसे ही रोमांस करूं? विभूति भैया, क्या आप नहीं चाहेंगे कि मैं भी अपनी बीवी को ऐसे ही टॉफी खिलाऊं? अभी वो टॉफी खिलाइए या कॉकरोच खिलाइए, व्हाट डू आई केयर? मेरा क्या लेना देना इस चीज से यार? लेना देना है भैया, बहुत गहरा लेना देना है. हमारा क्या लेना देना है इससे सक्सेना जी? लेना देना ऐसे है, भाभी माँ, के इन दिनों मैंने एक अनोखी नाम की लड़की के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है. तो लेना भैया, कर लो उसे शादी, हमने कौन से तुम्हारे गुर्दे पकड़े हुए हैं. भैया बात यह है ना कि वो जो लड़की है और उसके माँ बाप है, वो लोग बहुत ही उच्च कोटि के पागलों के खानदान से है. उसके माँ बाप, वो लड़की खुद आगरा के पागल खाने से सर्टिफाइड पागल है. बाप ही तो उच्च कोटि के पागल है, आपको भी तो आगरा पागल खाने का तमगा मिला हुआ है. पागल ऑफ द ईयर की ख्याति से आपको कितनी बार नवाजा गया है. पागल ऑफ द ईयर, आई लाइक इट. अरे भाई मां, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके मम्मी डैडी मुझे बहुत पसंद करते हैं. तो क्या प्रॉब्लम है सक्सेना जी? यार भैया प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों की एक शर्त है. क्या शर्त है? शर्त ये है कि वो चाहते हैं कि मेरा खानदान भी जो है वो उन्हीं की तरह उच्च कोटि का पागल खानदान हो. तो भैया आप लोगों के सिवा कौन है मेरा? आप ही लोगों को मिलना पड़ेगा उन लोगों से. वो सब ठीक है सक्सेना जी, लेकिन हम तो पागल नहीं है ना. भाई मैं पागल नहीं है, पर मेरे लिए अपने बच्चे के लिए बन जाइए ना. निकलिए इसी वक्त, निकलिए यहां से, निकलिए 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 निकल निकल निकलिए. क्यों ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं आप? मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि आप लोगों ने टीका की शादी के टाइम पे नाटक किया था, आप लोगों ने गुलफाम आपा की शादी के टाइम पे नाटक किया था. अब मेरी बारी आई तो मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों भैया? क्या प्रॉब्लम? नहीं नहीं, मुझे में प्रॉब्लम क्या है? मैं पागल हूँ ना? हम पागलों को घर बसाने का कोई हक नहीं है क्या? उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे अपना घर उजाड़ने का कोई शौक नहीं है. जब ये नाटक किए तो प्रॉब्लम हुई हमारे सामने. देखिए ऐसा है कि वो जो पागल है ना,
बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पागल हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे भाई। मैं प्लीज, आप मेरी मदर जैसी हैं। सॉरी मम्मी ने मना कर दिया, निकलो यहां से, निकलो यहां से, निकलो, अबे निकल। माय गॉड, बड़ा अजीब पागल है। अजीब नहीं, सुपर अजीब है। टॉफी भी खा गया मेरी। नहीं, मैं कहूं कि इतना रफली क्यों खा रहा है यार। There was no romance in it. ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गवना आए या न आए गाना चाहिए, गाना आए या न आए गाना चाहिए। यार इतना पीठ में हाथ ही नहीं घुस रहा। अंगूरी अंगूरी तनिक आओ जरा, हमारी पीठ में साबुन मल दो पगली। अंगूरी, अरे तनिक आओ ना पगली, पीठ में साबुन तो मल दो, हाथ नहीं जा रहा है। जा रही पगली। अरे आ गई पगली, चलो ठीक है, आप जरा पीठ में साबुन लगाओ पगली, लगाओ। कर दियो पगली, पीठ रगड़ो ना। अरे पगली, अरे हम क्या करें, अरे पीठ में साबुन लगाओ ना पगली, गुदगुदी काहे कर रही। अच्छा समझ गए, तुमको शरारत सूझ रही है ना, है ना। अभी हम तुम्हारी शरारत निकालते हैं। अभी के काम है। भैया आप यहाँ ऐसी हालत में सक्सेना जी के साथ क्या करें, क्या करें? सक्सेना जी के साथ? सक्सेना के बच्चे क्या बदतमीजी है? आई लाइक इट के बच्चे तुम्हारे बाथरूम में घुस के क्या कर रहा था, हमने समझा अंगूरी है। हाय दिया, अगर हमको थोड़ा सा भी देर हो जाता लड्डू की भैया, तो आप पता ना ही काका कर लेते सक्सेना जी के साथ यहाँ गुसल खाने में। I like it के बच्चे भाग जाते। मुझे तो लगा था कि तुम पगलाट हो, लेकिन तुम तो यार एक नंबर के अश्लील आदमी हो। भैया आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, पर भैया आप एक बात बताइए दिल से, क्या आप नहीं चाहते कि मैं भी बाथरूम में इसी तरह नहाता रहूं और अपनी बीवी को आवाज लगाऊं, अनोखी ए अनोखी जरा मेरी पीठ मल दे। हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं शादी कर लूं? करो ना यार, किसने पकड़ रखा है तुम्हें? क्या है कि बिना आप लोगों के आशीर्वाद के शादी हो नहीं पाएगी। हाँ तो दिया ना यार आशीर्वाद, जाओ दूधो ना हो पूतो फलो, चलो जाओ। हमारा भी आशीर्वाद है। नहीं नहीं भाई, मैं दूर दूर वाला आशीर्वाद नहीं चलेगा। तो क्या लिपट चिपट के आशीर्वाद दे तुम्हें? भैया ऐसा है कि जो लड़की है वो एक पागलों के खानदान से है। मतलब ये भैया कि वो ये चाहते हैं कि मेरा भी खानदान पागल हो। हाँ तो देर किस बात का है, बुला लीजिए ना अपने फिल्माले को। फिल्माले? भाई माँ आप फैमिली कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। अरे भाई माँ क्या बात कर दी आपने, मेरी अगर फैमिली होती तो मैं यहाँ इस बाथरूम में तिवारी भैया की पीठ पे साबुन मल रहा होता। क्या? क्या, क्या, क्या मतलब आपका? अरे भैया मेरी फैमिली आप लोग हैं, आप लोग। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि लड़की वालों के सामने आप लोग मेरी फैमिली बन के पेश आइए। ओहो अच्छा, तो आप चाहते हैं कि हम आपकी पागल फैमिली बनकर उनसे मिले? हाँ भैया। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे पागल कुत्ते नहीं काटा है जो हम पागल बनकर उसमें शामिल होंगे? दफा हो जाए यार, हम नहीं करेंगे सब। बेचारे हमरे सक्सेना जी। क्या बोल रहे लड्डू के भैया? बट अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, समझी? दो बार हम फंस चुके हैं, अब तीसरी बार नहीं फंसेंगे चक्कर में। पीठ रगड़ो हमारी, चलो आप रगड़ो पीठ। अजी बहुत मैल हो गया है। हाँ बहुत मैल हो गया, लग रगड़ो ये लो।
अरे पीठ रगड़ने के लिए कहा, फुलटने के लिए कहा है? अच्छा तो थक जाना था। ठीक बा, उनको बुला लाते हैं। अंगूरे अंगूरे सुनो, अरे दादा। ओ भैया प्रेम, तुम यार जाम बड़ो कड़क बनाते हो यार। आदमी जो कड़क हूँ तो जाम भी कड़क ही बनाऊंगा ना। क्या बात है मेरी जान यार, लेकिन गुलफाम कली कहाँ मर गई, कंभकत मारी अभी तक आई ना। एकदम गुलाबी गुलाबी है रही। आओ आओ गुल्लो, गुल्लो आज ऐसो डांस दिखा दो, ऐसो डांस दिखा दो कि सारे हमारे गुर्दा तन जाएं। लीजिए हुजूर, अभी आपके गुर्दे तानती हूँ। गुल्लो तुम्हारी आवाज को कब हो? वो हुजूर हुआ यूं ना कि मैंने कल रात को बहुत सारी आइसक्रीम खा ली थी और ठंडा ठंडा चिल्ड पानी पी लिया था, इसलिए गला बैठ गया है हुजूर। आइसक्रीम के मजे आ गए। गुलफाम शुरू हो जाओ। जी हजरात, लेकिन आप हजरात से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। तुम हुक्म तो करो मेरी जान। हजरात, आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आप सबको रौंदना चाहती हूँ। ऊपर वाले ने सुन ली। ओए होए, हम तो रुंधवाने के लिए तैयार बैठे हैं गुल्लो। तो फिर देर किस बात की भैये, लेट जाओ, गुलफाम कली तैयार है रौंदने के लिए। जिंदगी बताई। अरे दादा। अजी हुजूर, ये सब क्या हो रहा है? गुलफाम कली, गुल्लो तुम अभी आ रही? जी हाँ, थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गई थी। और दरअसल हमारे कुछ चाहने वालों ने हमें घेर लिया था। और ये क्या, हमें जरा सी देर क्या हो गई, आपने किसी और को बुला लिया? अब गुलफाम कली ये है तो फिर जे कौन है? I like it. सक्सेना? जो शाहरुख पगला सक्सेना तू है? तब भाई हम कहे ससुर जी, गुलफाम गली के गुलाब जैसे मुलायम मुलायम सारे पांव हमें आज चुपकाए रही है पिछवाड़े पे। कसम से कह रही हूँ, पूरी पीठ का भूगोल बिगाड़ दिया कमबख्त मारे ने। सक्सेना जी, पैरन में का किले ठुकवा के आयो का, अब पूरी की पूरी पीठ मसल दई। अरे लौंडे, ऐसा कुछ नहीं है, असल में हुआ ये है कि मेरे जो पैर है ना उसमें ठेक पड़ गई है, वही चुभ रहा होगा तुझे। अच्छा सुन सुन, छोड़ ये सब बेकार की बातें, मैं एक्चुअली बहुत ही जरूरी काम से आया हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है तुम लोगों के साथ। का है बोल? बात ये है कि मैंने असल में शादी करने का फैसला कर लिया है। और वो आप लोगों के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ हाँ, हम तुम्हारी शादी में आएंगे और डांस भी करेंगे। हाँ वो तो करोगे ही, बिल्कुल करोगे, लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत जरूरी काम है। रौंदने के बाद अब कौन सा काम बचा है भैया? काम ये है कि जिस लड़की से मुझे प्यार हुआ है वो एक बहुत ही बड़े पागलों के खानदान से है। ओ क्या है ना कि जिस पागल खानदान में मेरी शादी तय हुई है वो लोग शादी से पहले मेरे पागल खानदान से मिलना चाहते हैं। कौन सी बड़ी बात है, ले जा सबको ससुर मेंटल हॉस्पिटल। नहीं 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 दरोगा जी, मेंटल हॉस्पिटल से काम नहीं चलेगा। मुझे आप लोगों को अपना पागल खानदान बना के उन लोगों के सामने पेश करना होगा, मेरे पास और कोई उपाय नहीं। अबे तेरा दिमाग खराब है का? हम ना बन सकते तेरे पागल खानदान के सदस्य। आज सुनो, मैं भी नहीं बनूंगा। मैं भी ना बनूंगा। ओ भैया, मैं भी इतना बावला ना हूं जो पागल बनूं। और भैया मैं तो बिल्कुल भी ना बनूंगा। भाईजान हमें भी माफ कर दीजिए, हम भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। पापा आप भी? जी, अगर हमने ऐसा कर दिया तो लोग हमें पागल समझकर
हमारे गरीब खाने पर आना बंद कर देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि लोग इसी सदमे में पागल हो जाएं कि हम पागल हो गए हैं। कोई नहीं है मेरा, मैं पागल हूं ना। आई डोंट लाइक इट। लोग आने जैसे रो रहे हुए गुल्लो, ये पगला ने पूरा दिमाग खराब करता हुआ। अब तुम कसम से कह रहे हैं, जो हड्डी तोड़ डांस दिखाओ को मजा आ जाए। अभी लीजिए हुजूर। कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, मर जाऊंगा, मॉडर्न करने वालों, सुसाइड, सुसाइड। ये टिल्लू, हाँ, जो सुसाइड का होता है यार, जब पागल लोग मरे हैं ना तो उसे सुसाइड बोले। यार ये पागल लोग मरते क्यों हैं? अरे जो कह रहा है तो फैला रहे हो, इतने पे कहो आगो सनीचर। जो पगला है तो ऊपर चढ़ो का कर रहे हो। अरे दरोगा जी, जे बावला आत्महत्या करना चाह रहे, कमबख्त मारा। अरे लेकिन आत्महत्या काय कर रहे हो, कहोगा उका है। हमसे क्या पूछ रहे हो, भाई से पूछो ना जाके। सक्सेना जी तो सुसाइड कर रहे हैं। भाभी, इट्स नॉट सुसाइड, इट्स सुसाइड। सही पकड़े हैं। अरे लेकिन आप सुसाइड क्यों कर रहे हैं? अरे भाभी जी, पगलैट है, कोई फितूर आ गया होगा दिमाग में और क्या। अरे तुम ठहर जाओ। ओ भैया, पर सुसाइड काहे कर रहे हो? मत पूछिए दरोगा जी, मत पूछिए, बहुत दर्द भरी दास्तान है, अगर आप सुनेंगे तो आपके दोनों गुर्दे बाहर निकल आएंगे। आपका दिल फट जाएगा, आपकी सांसें रुक जाएंगी। अरे यार तू फालतू की बकवास ना कर, साफ साफ बता बात का है। मैंने क्या बोला था, एक छोटी सी गुजारिश लेके आया था तुम लोगों के पास कि मेरी नकली पागल फैमिली बन जाओ। लेकिन तुम लोगों ने मुझे दुत्कार के भगा दिया, मना कर दिया। अब कभी भी मेरी उस पागल लड़की से शादी नहीं होगी। मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ मॉडर्न कॉलोनी वाला। गॉड बाय। रुको ना भाई। यार एक बात बताओ, ये गुड बाय का होता है? जब पागल लोग जावे हैं ना तो गुड बाय बोले। अरे पागल लोग जाते कहाँ हैं? हुइया के खेत में जाते हैं सारे। ये तो शोले फिल्म चल रही है का? सवाल पे सवाल पूछ रहा हुए, इतने आदमी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा हुए। मैं कूद रहा हूँ मॉडर्न कॉलोनी वालों। भैया तिवारी, भैया विभूति। अरे यार मान जाओ ना, जैसो कह रहा हूँ सारू पगला, मान जाओ नहीं कूद जाएगा। क्या मैं पागल बनने के लिए कह रहा है? और ये नाटक नहीं होगा हमसे। और ये नाटक हम पहले कर चुके हैं, ये टीका के चक्कर में हमारे घर लूटने की नौबत आ गई थी। और अगर नॉर्मल फैमिली बनना होता तो ठीक था, अब पागल फैमिली बनो, इट्स टू मच टू आस्क। और पागलपन भाभी जी आप पर बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। अंगूरी का तो चलो मान लो बॉडम है। क्या बकवास करी आपने, क्या बकवास करी आपने? अब ये पागल लगती है आपको, पागल लगती है वो आपको? का आपको पागल लगते है? भाभी जी आप पागल नहीं है, आप बहुत मासूम है। आप लोगों को आपस में झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है मॉडर्न कॉलोनी वालों, अब मैं जा रहा हूँ। यार लेकिन इतना याद रखना, मेरी मौत के जिम्मेदार तुम सब लोग होगे। हम लोग क्यों होंगे यार? And when I will die, police coming. And तुम लोग सब going jail. In jail.
तुम लोग घुइयां छीले and chilling and chilling. अरे नहीं नहीं हम कहा बोल रहे लड्डू के भैया हाँ बोल दीजिए हाँ नहीं तो मर जाएंगे और आपको जेल में जाकर गुहियां छीलना पड़ेगा. मैं तीन तक गिनूंगा उसके बाद कूद जाऊंगा. एक चार ये कौन सी गिनती है. अरे बिबू हाँ बोल दो ना तो वैसे ही पागल है कुछ भी कर लेंगे. प्लीज से यस प्लीज से यस बोल दीजिए ना हाँ. अरे लेकिन यार तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो कि यार कल लेकिन ऐसे मौका पे लेकिन यार तुम गोरी मैम कह रही है ना कम से कम नाटक मत करो यार तुम. भैया हाँ कर दो हाँ कर दई हाँ कर दई सक्सेन ओनली हाँ कर दई रुक जाओ. नीचे आइए आप जो कहेंगे हम करेंगे. चलिए नीचे आइए नीचे आइए. अरे भैया सिर्फ आपके मानने से क्या होगा तिवारी भैया को भी तो मानना पड़ेगा. अरे यार ठीक है हम भी तैयार हैं.